नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में लापरवाही के कारण हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर जिले में नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में लापरवाही के कारण हुआ हादसा। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी प्राचीन भरतेश्वरनाथ मंदिर भारत भारी पर कांवरियों के भक्तों व क्षेत्रीय जनता व भक्तों के द्वारा श्रावण मास के 13 को भगवान शिव का जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। सुबह से ही श्रद्धालुओं का नहा धोकर जलाभिषेक का सिलसिला था जारी। पहले नहीं लगा इसी बीच एक 10-12 वर्ष का एक बच्चा मैं यहाँ का वर्तमान सभासद हूँ, जबकि लोग बताते हैं कि उसकी मेरा यही कहना है जलाभिषेक करने के लिए बैरिकेड जो अगर लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे की जानकारी नहीं हो पाए और पहले कर दिए होते व्यवस्था बच्चे की जान नहीं जाते का पता नहीं चल पा रहा। घटना में पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती बच्चे का शासन प्रशासन यहाँ के व्यवस्थापक चेयरमैन जो भी हम सबकी गलती है और बच्चे की मृत्यु हो गई। हमें बहुत दुख हुआ और बच्चे की घटना सुनकर और चेहरे पर कछुआ या मछली या किसी अन्य जानवरों के द्वारा पानी के अंदर हमले व खरोच के निशान भी पाए गए। ये बच्चे को परिवारजनों के द्वारा बच्चों को सी हिट सी बेवा दिखाने के लिए भी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया। बच्चा सागर की सीढ़ियों पर काय लगने के कारण बच्चे का पैर फिसलने की वजह से बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिसके कारण चेयरमैन जो है उसकी मौत हो गई। उनसे कहिए नगर पंचायत व प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण से हुआ हादसा। नगर पंचायत के द्वारा हादसे के हमारा नाम विजय कुमार अग्रहरी है, नगर पंचायत भारतहारी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ। और जो आपकी ये घटना है ये बहुत बड़ी घटना है और इसमें सारा पंचायत जो सरेह जाएगा और नगर पंचायत के लोगों के ऊपर जाएगा, शासन और प्रशासन के लोग के ऊपर जाएगा। यही जो बैरिकेडिंग यहाँ जो किए देख रहे हैं अभी, तो ये बैरिकेडिंग अभी एक घंटा पहले हुआ। अगर यही बैरिकेडिंग कल शाम में हो जाता तो शायद बच्चे की जान ना जाती आज। और इसके पूरे जिम्मेदार नगर पंचायत के अध्यक्ष और ईओ होंगे, मैं तो यही कहूँगा। और आज बच्चे के माता पिताजी से पूछिए क्या हालत गुजरती है, उस दर्द को देख के अब क्या मैं बयां करूं। और मैं इस विषय में माननीय डीएम साहब से भी बात किया, एसडीएम साहब से भी बात किया, एसओ साहब से भी बात किया, लेकिन अब क्या बताएं, ये जो प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही। और मैं तो कहूँगा जो चेयरमैन साहब यहाँ के हैं वो अपने प्रसाद वितरण में लगे रहे, ना कि उस पर ध्यान दिए, जरा सा भी ध्यान नहीं दिए, वो प्रसाद वितरण में लगे रहे। जबकि 100 को टेम्पू से लेके जाया गया, यहाँ से ऑटो रिक्शा से, कोई मतलब वाहन की व्यवस्था नहीं थी। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, वो भीड़ में थी, हम लोग बाद में लाए, फिर गाड़ी दूसरी गाड़ी में उसको बच्चे को कराया गया। मैं तो उस परिवार के प्रति मेरा सहानुभूति रहा है और मैं यही कहूँगा कि उस बच्चे के माता पिता को अधिक से अधिक मुआवजा देने की कृपा करें।